हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू टुडेज व्लॉग। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ भाभी के लहंगों का कलेक्शन। आप लोग बोलते रहते हो ये लहंगा कहाँ से लिया है, तो मैंने सोचा आज आप लोगों को दिखा देते हैं सारे लहंगों की डिजाइन कौन सा कहाँ से लिया हुआ है। सबसे पहले मैंने एक बार पहना था येल्लो कलर का लहंगा, आप लोगों ने देखा भी होगा ब्लॉग में, आप लोग पूछ भी रहे थे कहाँ से लिया है, तो मैं दिखा देती हूँ। येल्लो वाला लहंगा भाभी का बहुत ही सुंदर सा लहंगा है, ये पहनने पर काफी और भी ज्यादा अच्छा लगा था। देख सकते हैं इसका मैचिंग का सेम ब्लाउज है जो मैंने एक बार वियर भी करा था, तो आप लोगों के कमेंट आए थे तो मैंने सोचा बता देते हैं ये वाला लहंगा कहाँ से लिया हुआ है। डिजाइन देख सकते हैं आप लोग पास से, बहुत ही सुंदर है। ये वाला लहंगा लिया हुआ है रीति रिवाज शॉप है सीकर से। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मैंने वहां से सूट खरीदे हैं, तो वहीं से ये वाला लहंगा का फैब्रिक लिया हुआ है। ये वाला फैब्रिक काफी अच्छा लगा था पहनने के बाद ही ज्यादा लुक पता चलता है, ऐसे इतना पता नहीं चलता गाइस। तो देख सकते हैं आप लोग, येलो येलो तो वैसे भी अच्छा लगता है चुनरी पे, पोंचे पे, सब पे। ये मैंने आप लोगों को बता दिया रीति रिवाज शॉप है सीकर में, तो आप लोग तबला मार्केट में है, तो आप लोग वहां जाके विजिट कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने लिए। इसकी प्राइस है 5,000 रुपये, तो आप लोगों को भी लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। ये मैं अलग हटा देती हूँ, अभी सेकंड लहंगा दिखाती हूँ आप लोगों को, बहुत ही प्यारा सा लहंगा है। ये वाला लहंगा भी मेरे को भाभी का बहुत अच्छा लगा था, देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर सा लहंगा है। ये वाला इसका ब्लाउज है, देख सकते हैं आप लोग, ब्लाउज भी काफी प्यारा सा है इसका। ये वाला लहंगा ब्लाउज आप लोग देख सकते हैं, पिंक कलर का इसका कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज है, बहुत ही सुंदर सा सिलवाया है भाभी ने, बहुत ही प्यारा सा है। ये वाला लहंगा भी रीति रिवाज शॉप है उधर से लिया हुआ है, तो आप लोग भी ले सकते हैं। ये वाला 4,500 का लहंगा है, तो गाइज आप लोगों को अच्छा लगे तो वहां जाके जरूर विजिट करना उनके शॉप पे। और भी बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन है साड़ी सूट दोनों का, और जैसे नॉर्मल वियर में हम लोग लहंगा पहनते हैं मम्मी लोग, तो उनका भी काफी अच्छा कलेक्शन है गाइज। ये हो गए हैं 2 लहंगे, ये थर्ड नंबर का दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये तारी में है ये वाला लहंगा। ये वाला लहंगा भाभी को उनकी भाभी ने दिया था, गरवा देते हैं अपने इधर, आप लोगों को पता होगा अगर आप राजस्थान से हो तो उसमें गरवा देते हैं, उसमें कपड़े पहनाते हैं, ज्वेलरी सब कुछ देते हैं, ऐसा कुछ होता है उसमें, रीति रिवाज सारे शादी वादी भी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, कराते हैं ना शादी कुछ ऐसे फेरे गणगौर कराते पूजन, हैं, है ना? गणगौर पूजन। हाँ, गणगौर पूछते हैं फेरे। मैंने भी किया है, मैंने भी अपनी ननद को दिया था, तो मैं थोड़ा थोड़ा भूल गई थी, अभी भाभी से पूछ के थोड़ा याद आ गया वापस। इसका मैचिंग ब्लाउज है, ये वाला भी लहंगा काफी अच्छा है, चुनरी पे सब पे अच्छा लगता है ये वाला लहंगा ग्रीन कलर का। ये हो गए 3 लहंगे भाभी के, इसकी प्राइस पता नहीं क्योंकि उन्होंने गिफ्ट दिया था, तो हमें कैसे पता होगा गाइस प्राइस का। गाइस ये लहंगा भी बहुत ही प्यारा सा है भाभी का, ब्लू कलर का लहंगा है, नेट में है। ये वाला लहंगा लिया हुआ शायद एआर बुटीक है सीकर में, तो उनके पास भी अच्छा कलेक्शन है, आप लोग देख सकते हैं। ये वाला पिंक कलर का इसका कॉन्ट्रास्ट में ब्लाउज है। ये वाला लहंगा 2,500-3,000 समथिंग में पड़ा था, इसकी सिलाई अलग थी, कपड़ा कपड़ा था 2,500-3,000 में। ये वाला भी काफी अच्छा है, देख सकते हैं आप लोग, तारी का काम है इसमें, आजकल वही तारी वाला काम पहले चलता है, मम्मी लोग बोलते हैं पहले चलते थे हमारे ऐसे काम, आजकल भी ऐसे चलने लगे। कितने हो गए आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, 4 लहंगे और, तो काम तो बढ़ा दिया। अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ 5वां लहंगा, एक ये कलर का पैरेट कलर का लहंगा है, ये कलर काफी अच्छा लगता है पहनने पे, बहुत ही सुंदर सा लहंगा है। ये वाला लिया था झुंझुनू से, ये वाला शायद सहेली बुटीक से लिया था। ये वाला लहंगा भी काफी सुंदर है, मैचिंग ब्लाउज है इसका, ये भाभी को हम लोगों ने गिफ्ट करा था सगाई के टाइम, जो कपड़े देते हैं उन्हें था ये वाला, उस टाइम कपड़ा था, अभी स्टिचिंग करा दी, तो ये काफी प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा है। तारी का काम है इसमें, धागे और तारी का काम है पूरा, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा है पहनने के बाद। तो मेरी भाभी तो वैसे बहुत प्रीटी लगी थी, आप लोगों ने देखा होगा उस दिन, आप लोगों ने पूछा था, तो मैंने सोचा गाइस आप लोगों को बता देते हैं लहंगे। तो बताओ कैसे लग रहे हैं भाभी के लहंगों का कलेक्शन। अभी एक लहंगा है स्काई ब्लू कलर का है, ये वाला लहंगा भी काफी प्यारा सा है, इसका भी मैचिंग ब्लाउज है, आप लोग देख सकते हैं। ये वाला भी झुंझुनू से लिया हुआ है, ये वाला झुंझुनू से कहाँ से लिया हुआ है गाइस, मेरे को सोचने दो थोड़ा, ठीक है दुकान में निकाल दूंगी।
ये वाला लहंगा लिया था बीएच फैशन से, उधर से स्टिचिंग करवाई थी उन लोगों ने, स्टिचिंग करवा के दी थी, काफी अच्छी स्टिचिंग करवा के दी उन लोगों ने, काफी अच्छे हैं उनके पास कलेक्शन, काफी अच्छा है गाइस, आप लोग भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ लेटेस्ट में कुछ लेना हो तो। बहुत ही प्यारा सा लहंगा है ये भी, भाभी ने पहना है एक बार, आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, ये इसका मैचिंग ब्लाउज, आजकल मोस्टली मैचिंग ब्लाउज ही चल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, कुछ कुछ है एक दो कॉन्ट्रास्ट में, बाकी मैचिंग ब्लाउज ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो आप लोग भी अपने लिए बनवाओ तो मैचिंग ब्लाउज बनवा सकते हो मैचिंग के। गाइस अभी मैं बीच में भूल गई थी आपको प्राइस बताना, आप लोग पूछते रहते हो तो मैंने सोचा बता देते हैं, ये ऊपर वाला लहंगा इसकी प्राइस तो ये वाला था 5,000 का, और ये पैरेट कलर वाला लहंगा था ये शायद 2,500 का था, 2,500 में काफी बहुत सुंदर सा लहंगा बन गया, और ये वाला लहंगा देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही प्यारा सा लहंगा है ये मुझे याद नहीं है इतना कहाँ से लिया हुआ है, कौन से शॉप से लिया हुआ है एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, शायद बालाजी फैशन है वहां से लिया है कि पता नहीं कहाँ से लिया है। ये वाला लहंगा भाभी को मम्मी ने गिफ्ट करा था, पहनाया था, हमारे पहनाते हैं शादी के जस्ट बाद, दुल्हन घर जाती है अपने, तो उस टाइम का है ये वाला लहंगा, बहुत ही प्यारा सा ये वाला लहंगा भी, मैचिंग ब्लाउज है इसका, ये वाला शायद 4-5 हज़ार में ये वाला पड़ा था, मोस्टली 4-5 हज़ार बिना तो कोई अच्छा मिलता ही नहीं लहंगा, आ जाते हैं कुछ कुछ 2-2.5 हज़ार में, पर थोड़ा हैवी लो तो फिर 4-5 हज़ार तो लगते ही है। एक लहंगा और बच गया, ये लहंगा भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है भाभी का, ये वाला लहंगा बहुत सुंदर है, देख सकते हैं आप लोग, ये वाला लिया हुआ है बालाजी फैशन मंडावा मोड़ पे है, वहां से लिया हुआ है लहंगा, ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी स्टिचिंग फिर लगा के नहीं होगा देख के काटो अच्छा कत्तो बड़ो अजीब। ये वाला लास्ट लहंगा है भाभी का, जो ये वाला भी उधर से लिया हुआ बालाजी फैशन से, 4-5 हज़ार की रेंज है इसकी भी, काफी अच्छा लहंगा है ये वाला भी, मेरे को सबसे अच्छा ये वाला लहंगा लगा, बहुत ही प्यारा सा गाइस, आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को, तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, बताना मेरे भाभी के लहंगों का कलेक्शन कैसा लगा आप लोगों को, बाकी मैंने सारी डिटेल आप लोगों को बता दी है, बाय बाय गाइस।